हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग वेलकम टू माई चैनल चिट्टोरी रजनी और आज मेरी बहन की बेटी का संगीत संध्या का फंक्शन है या रिसेप्शन बोल लीजिए एज सिंपल एज दैट एंड कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताना है क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट कलर है और ये अगर आप लोग को याद है मैंने रिसेंटली अम्बाला से लिया था पर जो मैं सेट इसके लिए लाई थी ना शादी में पहने थी उसका कुछ यहाँ से ढीला हो गया तो फिर मैंने ये वाला सेट पहना भगवान की दया से गुरु की दया से मुझे अक्कल लाई और मैंने दो सेट रख लिए पता नहीं क्यों तो अच्छा लग रहा है हो गया तो चलें अब सबके कमरे खटखटाते हैं अभी तो मेरे भाइयों का कमरा खटखटाया है बहनों का खटखटाया अब मेरी चाची का कमरा खटखटाते हैं और फिर सब जाएंगे इकट्ठे तो ये मेरा भाई है मेरे से चार साल बड़ा है हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है आप फोटो भी जाओ और ये कौन है ये मेरी बड़ी बहन है मिंटू डी जो हम सबसे छोटी लगती है छोटी लगती है हां हाँ, तो हम है। सब भाई बहनों में सबसे बड़ी पर सबसे छोटी दिखती है और वो सेकंड सिस्टर मेरी अंजलि है पर सबसे बड़ी दिखती उसकी है उसकी सेकंड है चलो तुम्हारे कैमरा चालू है हां देखो ओ धीरे धीरे सब लोग रेडी होकर आ रहे थे हम तो इन बहनें रेडी थी लास्ट वाली सबसे छोटी बहन का वेट कर रहे थे उसका भी बच्चा छोटा है ना तो थोड़ा बेचारी परेशान होती है उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बेटे की और ये दक्षुता मेरी सेकेंड वाली सिस्टर का बेटा मेरी चाची रेडी होकर आ गई थी तो हम खूब तमा बदमाशा कर रहे थे और यू नो फोटोज़ खिंचवाने में बिजी हो रहे थे और इधर कौन है देखे ये दक्षु है मेरी सेकेंड वाली सिस्टर का बेटा फिर मेरे भाई जीजाजी जी। ये लोग सब खड़े बस सोनू का इंतज़ार हो रहा है वो आ, आ फाइनली सोनू आ गई हम सब की छोटी बहन मेरी चाची की बेटी हम चारों इकट्ठे लास्ट कब हुई थी आ... मुझे याद है लास्ट तो नहीं पर सबसे पहले हम चारों इकट्ठे हुई थी राजल देसर में गांव में हमारे मेरे बड़ी बुआ के सबसे बड़े पोते की शादी में बहुत मज़े किए थे हमने बस अब सब तैयार है जाने की तैयारी है संगीत नाइट में और यह थे मेरे जीजा जी और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने बहुत बदमाशी की वो शुरू हो गए यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवानी यहाँ ये यह करना वहाँ वो करना और मैं पता है मैं फ़ोटोजेनिक बिल्कुल नहीं हूँ मैं फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाया जाती और वो इतनी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लाइट्स में फ़ोटोज़ खिंचवा के दिखेगा क्या लाल पीला हरा गुलाबी नी <laughs> तो ठीक है जैसे जैसे वो बोलते रहे हम खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवाते रहे एक भी फोटो अच्छी नहीं है एक भी फोटो लाइटिंग की वजह से हम सब अजीब सी लग रही थी तो बस सोनू के कह कह पे फ़ोटोज खिंचवाए अंदर आए अंदर स्नैक्स चल रहे थे अब ये क्या है समोसे हैं पकोड़े हैं और पता कुछ नहीं चल रहा था लाइटिंग कुछ थोड़ी वहाँ पे डार्क थी तो समझ कुछ नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एनी घूमते घूमते सबको पहचानते पहचानते हम लोग धीरे धीरे घूम के चले गए स्नैक्स जहाँ पे लगे थे वहाँ पे कि चल के खा के देखते हैं है क्या तो ये देखिए यहाँ पे स्टेज लगा था अभी कुछ इवेंट्स शुरू नहीं हुआ था तो हमने कहा चलो पहले घूम के सबसे मिलने मेरे ससुराल साइड से भी काफ़ी लोग थे और ये हम आ गए थे सबसे पहले मुरादाबादी दाल खाने मुरादाबादी दाल बहुत सिंपल दाल होती है उसके ऊपर घी प्याज इन सब चीज़ों का ना तड़का नहीं लगता ऐसे ऊपर कच्चा डाला जाता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और स्नैक्स में उस दिन चाउमीन थे बर्गर थे बहुत खुश थे मैं तो सिंपल वाली मुरादाबादी दाल खा के खुश हो जाती हूँ जी हाँ जी गोलगप्पे खा रहे थे वैसे किसी को पता नहीं है लेकिन मैं सबसे पहले पहुँच गई थी और जाते ही मैंने गोलगप्पे खा लिए थे क्योंकि वो पहले बहुत ज़रूरी है विटामिन जी तभी मिलता है और तभी मैं काम कर पाती हूँ ठीक है तो गोलगप्पे टिक्की और ये मुरादाबादी दाल यहाँ पर चीला बन रहा है और ये देखिए आलू की टिक्की करारी कराली आलू की टिक्की दही के साथ ऐसे पत्तल में सर्व की गई थी हम्म यमी लग रही थी गरम गरम टिक्की क्रिस्पी वाली दही के साथ चीले के साथ साथ साइड में डोसा भी बन रहा है वाह और यहाँ पे थी दाबेली मुझे थोड़ा कम पसंद है क्योंकि मिठास होती है मैं नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ मीठी चीज़ें कम खाती हूँ यहाँ पे थी चाउमीन और आगे फिंगर फूड थे कई तरह के कबाब थे बेबी कॉर्न थे पनीर टिक्का थे कबाब इन सेंस वेज कबाब ओके फ्रेंच फ्राइज थे बहुत सी चीज़ें थी और चीज़ बॉल्स थे तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने लिया और नाश्ता किया और उस दिन ना मैंने एक अलग ही स्टाइल का बर्गर देखा बर्गर था वड़ा पाव था याद नहीं मुझे तो ये भैया ने जो भी टिक्की आलू की टिक्की ये तो तल ही रहते पर बर्गर को भी हल्का सा तेल में किया और दोनों तरफ से सेक रहे थे तेल के अंदर ही मैंने कहा वाह ये देखिए तेल के अंदर ही करे जा रहे थे मैं तो सोच रही थी कि फ़ादा तेल हो जाएगा कैसे करेंगे बट भैया बना रहे हैं बर्गर फटाफट नीचे वहाँ से सब्ज़ियाँ उठा के वो अलग स्टाइल का बर्गर बना रहे थे तो एक खट्टी मीठी चटनी लगाई उन्होंने दोनों तरफ से बन के ऊपर उसके बाद में उन्होंने लगाई हरी चटनी तिखी वाली मैंने कहा ये भी बढ़िया है ये अलग स्टाइल का कुछ बन रहा है देखते हैं क्या बन रहा है फिर इन्होंने ये जो टिक्की थी ये उठाई छोटी सी टिक्की थी वो उसके अंदर लगाई उसके बाद कुछ अलग कर क्या किया क्या किया याद नहीं आ रहा मुझे एक बार लगा शायद वो नूडल्स ल... हाँ नूडल्स ही लगाए थे उन्होंने मुझे याद आ रहा था तो मैंने कहा ये क्या बन रहा है ये डाबेली तो हो नहीं सकती तो ये अलग स्टाइल का बर्गर है फिर खूब सारी पत्ता गोभी लगाई और ये बन तो ये देसी स्टाइल में उन्होंने बनाया तो मैंने कहा अरे वाह ये तो कुछ अलग देखा आज हमने देखते हैं कैसी होती है और फिर इन्होंने कर दिया था इसको सर्व इस बीच मैंने सोचा अंदर जाके शूट कर लूँ सो बहुत सारे मिल्क शेक्स जूसेस बहुत सारी वैरायटी थी ठंडा पीने के लिए और सैलेड थे तरह तरह के सैलड्स ग्रीन सैलड चना का सैलड राजमा सैलड मतलब आजकल बहुत तरह के सैलड स्प्राउट्स के सैलड बहुत कुछ होता है तो सारा वो लगा था मिठाई में थी कतली और यहाँ पे ये देखिए इसे ना क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये पाकिज़ा और घेवर भी थे यहाँ पे और ये क्या है मुझे याद नहीं आ रहा नाम और ये ये अखरोट का हलवा था हाँ ये मुझे याद आ गया गुलाब जामुन ये तो सबको पता है गरम गरम गुलाब जामुन खाने का तो अलग ही मज़ा है ये थी पोटलियाँ और नमकीन तो मतलब पनीर के जो भी है अलग अलग मिर्ची वड़ा ये सारा था नमकीन दही खट्टी मीठी चटनी सॉस सब्जियाँ बस इस तरीके से खाना था गट्टे की सब्ज़ी होती है पनीर की सब्ज़ी होती है वेजिटेरियन खाने में तो आप गट्टा यही सब एक्सपेक्ट करोगे मिक्स वेज सब्जी थी ये देखिए कॉर्न के साथ और गट ये क्या है ये मेरे हिसाब से दम आलू टाइप की सब्ज़ी है आज कुछ भी नहीं याद आ रहा है मुझे क्या क्या है और हम नेम प्लेट भी लेके नहीं है कई बार होता है ना भूल जाता है कोफ्ते हैं सो so यूजली क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो नीचे नाम लो लिखा है वो भी साथ में शूट करते हैं ताकि मैं पढ़ के बता बताऊँ आपको क्या है वरना मैं भूल जाती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद एडिटिंग होती है मारवाड़ी खाना है तो ज़रूर ज़रूर मैंडेटरी लहसुन की चटनी केर सांगरी ये सब था दाल मखनी तरह तरह के ब्रेड थे रोटियां थी चावल में भी काफ़ी ऑप्शन थे नान रोटी ये सब बहुत सारी अलग अलग तरह की थी मेरे ख्याल से चावल में बिरयानी थे प्लेन राइस और दाल भी थे ये ना इजी हो जाता है दाल चावल होता है ना बच्चे खाने के लिए ये देखिए पुलाव भी थे आगे मेरे ख्याल से वो भी था बिरयानी जो सिकोरा नहीं होता है मिट्टी के ये देखिए ये है बिरयानी मिट्टी के सिकोरों में इस तरीके से बिरयानी आजकल सर्व की जाती है पापड़ फ्राइम्स बस यही सब चीज़ जो रेगुलर होती है सूप होते हैं यही सारी यू नो दो तीन वैरायटी सूप तो एनी आजकल हर जगह होता है फ्रूट्स होते हैं आइसक्रीम्स होती हैं तरह तरह की और ये आइसक्रीम्स कुल्फी टाइप आइसक्रीम थी कुछ फ्रूट बेस्ड ये भी कुछ अलग और डिफरेंट था इन द मीन टाइम दूसरी तरफ स्टेज पे चलने लग गया गोडा बिठाई गोडा बिठाई ये होता है कि ये हम लड़के वाले भी करते हैं लड़की वाले भी तो अभी तो हम लड़की वाले स्टेज पे सारे जाके बैठ गए हम वेट कर रहे हैं दूल्हे राजा का वो सब की गोद में बैठेंगे और हम सब उन्हें शगन का एक लिफाफा देंगे सो हम बहुत देर बैठे रहे कि अभी हमारे दूल्हे राजा आएंगे 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 फिर वो धीरे धीरे कहीं बिजी हो गए थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन वो आ गए और हमने फिर बहुत ही यू you नो know, मजे से सबने गोद में बैठाया खूब सारे ना उनके गाल खींचे नाक खींचे कान खींचे और लिफाफे दिए थे सो so शर्माते हुए दूल्हे राजा ऐसे सबके गोद में बैठते हुए सो so कुछ लोग तो गोद में बैठाते कुछ लोग शर्माते हैं अरे नहीं नहीं ऐसे ही ले लो ऐसे ही ले लो लिफाफा पर मैं ना पक्की धीटू मैं तो एकदम अच्छे से बैठ के बोलती हूँ भैया गोद में बैठो क्योंकि रोज़ रोज़ के ये मौके नहीं मिलते हैं देखो मेरी चाची ने नहीं, नहीं बैठाए मेरी बहनों ने नहीं, नहीं बैठा शर्माते अरे नहीं 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 बस बस और मैं सोचती हूँ यार एक बार तो लाइफ टाइम में मौका मिलता है उसे कैसे छोड़ अब ये देखिए मैं आके बैठ गई और मैं फटाफट बोल रही कैमरा लेकर इधर आ भैया चलो अरे दूल्हे राजा बैठ ऐसे तो मैं लिफाफा दूंगी नहीं गोद में बैठा के फ़ोटो खींचे फिर मैंने गाल खींचे उनके गले से लगा के फ़ोटोज़ खिंचवाई और कहा कि अगर आपको उठना है ना तो मुझे लिफाफा दे के उठना पड़ेगा और हम लोग खूब हंसे फिर मैंने शगन का लिफाफा दिया उनको कहा कि अब पावन दुख रहे हैं बेटा उठ जाओ प्यारे से ना क्यूट क्यूट से हमारे छोटे से दूल्हे राजा बस इस तरीके से ये होता है गोडा बैठाई और सेम तरीके से दुल्हन को लड़के वाले भी जितनी लेडीज़ हैं वो बैठती हैं और दुल्हन को गोद में बैठा के वो लिफाफे देती है सो ये एक तरीके का हमारा शगन होता है अब सासू माँ और मामी सासू जी भी बैठा के मज़े ले रहे हैं बस बाय बाय